ये कहानी है अब से 50 साल पुरानी, जब चारों तरफ साधनों का अभाव ही अभाव हुआ करता था। अब से 50 साल पुरानी, गरीब आदमी का तो जैसे जीना ही दुश्वार हो जाया करता था। गरीब आदमी के बच्चे पढ़ना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, लेकिन धन के अभाव में उनकी सारी जिंदगी बेकार हो जाती थी। छोटे छोटे बच्चों की बाल विवाह का ये रोग हमारे समाज में अंदर तक घुसा हुआ था। आइए देखते हैं एक ऐसी ही कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। देखो हमारी गुड़िया बहुत कमजोरी है, पूरा दिन काम करती है। ठीक है, ध्यान रखा कर तू भी शांति, क्योंकि जमाना खराब है आजकल। ठीक है जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी इनका। मैं बहुत जल्दी इनकी चाय माई करूंगा कल। हाँ ठीक है जी। बेटा खिचड़ी बहुत अच्छी बनाई तुमने। हाँ बापू, ऐसी बना कर रोज हैं? बेटा थारी मम्मी बीमार रहती है, उसका ध्यान रखा करो। बापू मैं तो पूरा सारा काम करके रखूं घर का। अजी अंजू के बापू, हमारी दोनों बिटिया हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। चल ठीक है। हमारे खेत का सारा काम हो जाना चाहिए समझे, और मजदूरों को मजदूरी टाइम से मिल जानी चाहिए। ठीक है सूर्य प्रताप सिंह। लो साहब चखना। गोविंदा क्या टाइम हो रहा है, आने का टाइम है? इतनी लेट कहां थे? सूर्य प्रताप समझाओ इसे। बाबूजी आगे से नहीं होगा ऐसा। अरे क्या भाई साहब, आप भी क्यों गरीबों के पीछे पड़े रहते हो, उन्हें अपना काम करने दो ना। और ठीक है वो लेट हो गया तो इसमें कोई आफत तो नहीं आ गई, पहाड़ तो नहीं गिर गया। अच्छा ठीक है गोविंद, तुम अपना काम करो, चलो ठीक है जाओ। ठीक है साहब। और भाई साहब ठीक कहा ना भाई साहब। अरे बलराज भाई तुम्हें नहीं पता, इन लोगों को जितना भी टाइट करा जा धमकाए जा उतना कम है। अरे भाई साहब ठीक है जो आप कह रहे हो, ठीक है मान लिया। अब आप सूर्य प्रताप की शादी के बारे में सोचो, कोई ऐसा रिश्ता देखो जो इससे वो लड़की शादी कर ले। अरे पिताजी तुम भी मेरी मजाक उड़ा रहे हो, अरे मैं 6 फुट का जवान हट्टा कट्टा, क्या कमी है मेरे अंदर, पैसा बहुत, लड़कियों की तो मैं लाइन लगा दूंगा खरीद के। अरे हाँ हाँ सूर्य प्रताप, हमें पता है तो कितनी लड़कियों की लाइन लगाएगा। अरे जिधर भी हम जाते हैं ना हमारे नाम का चर्चा होता है समझे। अरे भाई साहब आपको पता है हमारे इस घर में कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं, हम बिगड़े हुए नवाब हैं, और सब ये सारी करतूत पता है ये आपकी है, हमें आपने बिगाड़ा है आपने, समझे। ए चुप पिताजी, ताऊ जी पर क्यों आरोप लगा रहे हो, ताऊ जी ने तो इस घर को बना दिया, ये तो चौधरियों की शान और शौकत है। हाँ मुझे भी पता है ये शान और शौकत है, और तुम्हें पता है जब भाभी जी जिंदा थी ना तो उन्होंने पूरे परिवार को संभाल रखा था, उनके मरने के बाद सब बेकार हो गया, और तेरी शादी हो गई होती ना अब तक हमारे आंगन में और पता नहीं कितने बच्चे खेल रहे होते। करता है शान और शौकत की बात। राम राम जी। राम राम जी। हाँ राम राम। आओ मुखिया जी बैठो। और मुखिया जी ये कौन है? अच्छा ये हमारे पड़ोस के गांव में नहीं वहाँ का रहने वाला रामलाल है, और ये अपनी लड़की का रिश्ता करना चाहता है। अच्छा ठीक है। चौधरी साहब इसकी मदद कर दो, बेचारा बहुत गरीब आदमी है और इसके दो दो लड़की है,
अरे मुखिया जी, मदद तो हम पूरी कर देंगे, लेकिन ये तो बताओ लड़का ढूंढा है या नहीं ढूंढा? चौधरी साहब, अभी लड़का हमने देखा नहीं, ढूंढ रहे हैं। अरे बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अरे हमारा छोरा है ना, गबरू जवान है, हमें बताओ ना है? हम इस लड़के की शादी करना चाहते हैं। क्यों ना, अरे आज से ये हमारे समधी जी हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मुखिया जी, एक पैक आप लो, इसी खुशी में। अरे नहीं नहीं चौधरी साहब, मैं तो नहीं पीता। अच्छा आप नहीं पीते? नहीं नहीं नहीं। तो एक काम करो, हमारे समधी साहब को दे दो, लो मन खुश करो। लो जी फूफा जी। अच्छा जी, बुरा तो ना मानो। ना जी ना, अरे ये तो बहुत शरीफ लोग हैं। अरे समधी साहब आप चिंता मत करो, अरे आप टेंशन मत ना लो, लड़का हमारा है ना गबरू जवान, तुम टेंशन मत लो, शादी हम करेंगे और बड़े धूमधाम से करेंगे। लो पियो। इससे अच्छा रिश्ता ना मिले, परिवार बहुत जमींदार है। रामलाल सोचे क्या है, कर दे रिश्ता, घर बहुत बढ़िया है। अबे रामलाल क्या सोच रहा है, लोहा गरम है, चोट मार दे, चल पीजा पीजा। रामलाल जी, मैं तुम्हें पसंद आया या नहीं आया पसंद, पिताजी की जो जुबान होगी तो हो गई, तुम्हारी लड़की राज करेगी यहाँ पर राज, कुछ कमी नहीं है पैसे की, किसी चीज की कमी नहीं है। नहीं कुंवर साहब, हमें रिश्ता पसंद है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, जमींदार हो। क्यों मुखिया जी, तुम चिंता ना करें, तुमने हमारा मान सम्मान किया तो मैं मुखिया जी की बात ना गिरा सकता, बस मैं गरीब हूँ, मेरे पास सिर्फ बेटी है सूखी और कुछ नहीं है। मुझे संभाल लो, बहुत गरीब हूँ मैं, बताओ मुखिया जी। अरे रामलाल रो मत, चौधरी साहब साफ संभाल लेंगे। मैं अपने घर पे तुम्हें सिर्फ पानी पिला सकता हूँ, रोटी की तो आस मत करना, सिर्फ मेरे पास बेटी है बेटी, बस मेरी मेरी इज्जत बता लो, मैं बहुत गरीब। चौधरी साहब रामलाल की इज्जत रख दो। अरे समधी साहब चिंता मत करो, अब तुम हमारे और हम तुम्हारे, ये लो 50,000 रुपए और जाओ जाकर शादी की तैयारियां करो, और हम कल आ रहे हैं तुम्हारे घर, नारियल और मिठाई का डब्बा उसके साथ शगुन लेकर। कल को तुम मेरी बेटी को देख लो, उसकी गोद भर दो। ठीक है, और कल हम आते हैं, तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाते हैं। क्यों मुखिया जी, ठीक है? ठीक है चौधरी साहब, हम चलते हैं, राम राम। अच्छा जी, राम राम। क्यों मुखिया जी, ठीक है? चलिए। क्यों भाई साहब, ठीक हो गया? हाँ ठीक है। छोटे सब बढ़िया? ठीक है पिताजी। तेरी माँ बापू कहाँ गए सुबह सुबह? आई जाऊंगे बेटा, अभी तेरे बापू कहीं घूमने गए हैं। माँ हमारे स्कूल में दाखिला करा दे, मन्ने अच्छा लगे, सारे मोहल्ला के बालक जामे। माँ बहन सही कह रही है, मुझे भी पढ़ना है और डॉक्टर बनना है बड़े होके। आने दो अपने बापू को बेटा, मैं बात करती हूँ, ठीक है? हाँ माँ, अगर हम डॉक्टर बन गए ना, हमें दवाई लेने जाना ना पड़े। हाँ माँ बहन सही बोल रही है, आपको कहीं दवाई लेने नहीं जाना पड़ेगा। ये तो बेटा तुम दोनों ने बहुत अच्छा सोचा। हरी शांति भाई, नसीब खुल गए हमारे तो। अजी ऐसा क्या होगा? भाई मारी बात सुन, मन ने अभी छोरा देखो है अपनी बिटिया के लिए। अरे छोरा बड़ा सुत्रो है, पैसे वाले हैं, नंबरदार है, चौधरी हमारी लाडो राज करेगी राज। अजी तुम ये क्या कह रहे हो, मेरी बेटी की अभी खेलन खालन की उम्र है, थोड़ा भगवान से डरो, अभी शादी बिल्कुल ना करो। अरे तू बड़ी बावली है के हट जा शादी करने में है? अरे जब भी करनी साल भर पीछे, अब भी करनी, तू मानती को ना। सुनो अंजू के बापू, अभी हमारी अंजू 12 साल की हुई है, अभी इसे पढ़ने बिठा दो,
बापू हम दोनों बहनों को पढ़ना, माँ स्कूल में दाखिला करवा, हमें बड़े होके डॉक्टर भी बनना, तेरा नाम रोशन भी करना। हाँ, बापू बहन सही बोल रही है, हमारे स्कूल में दाखिला करवा दे, हम पढ़ना चाहें। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं पागल हूँ? और इतना जमींदार घर मिल लो हमें, चौधरी परिवार फिर ना मिले? पढ़े लिखे की बात करो, हम गरीब आदमी है, तू समझाती क्यों ना शांति? हम पढ़ा लिखा के कैसे डॉक्टर बना सके? अरे अरे साल भर पीछे ब्याह करानो, अब भी ब्याह करनो, देख मेरी हो गई है चौधरी साहब से जुबान, और मैंने कर दिया रिश्ता पक्को, क्योंकि क्योंकि मेरे पास में मुखिया जी थे, हाँ उनने तो छोरा बतायो, अब बात नाट न जाइए। अंजू के बापू तुमने रिश्ता पक्का क्यों किया मुझसे बिना पूछे? बापू हमें ब्याह के चक्कर में मत फंस, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ू। अब बात न बनावे, समझे, जो कह दिया सो कह दिया, हमारी भी जुबान है, हम भी अपने घर के नंबरदार है, ठीक है? कल मुखिया जी और चौधरी साहब आ रहे हैं, गोद भराई करने लड़की की, तैयारी कर, भूख लग रही है, कुछ खान कुलिया। अरे चौधरी साहब क्या सोच रहे हो, जल्दी से लड़की की गोद भर दो, फिर नहीं हो जाएगी छींक पात। अरे मुखिया जी मैं सोच कुछ नहीं रहा बस, ये लो। चौधरी साहब रुको। हाँ। मुझे तुम्हारे भाई साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, क्या बात है? अरे समधी साहब, बड़े भाई साहब गए हैं दिल्ली, वो लेने गए हैं ट्रैक्टर। ओ पिताजी चलो यहाँ से, हमें नहीं करनी शादी, शादी मेरी होगी या ताऊ जी की होगी, ताऊ जी को पूछ रहा बुड्ढा बार बार। अरे नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, अब हमारी रिश्तेदारी पक्की हो गई। तुम चलो, जब ताऊ जी आ जाएंगे जब आ जाएंगे। अरे ना चौधरी साहब रुको, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे रुको रुको, अच्छा जो रस्म पूरी करने आए थे उस रस्म को पूरी करो। ताऊ जी ताऊ जी ताऊ जी, कोई बात ना बेटा। अरे चौधरी साहब नाराज मत हो, गलती हो गई, वो मुँह में से निकल गई, हमारा फर्ज है तुम्हारे परिवार के पूछने के बारे में। अरे शांति देख, छोरा यू ही है, देख ले और समझी तो बतला ले, यू कई गांव के नंबरदार हैं। ले ये ले ले बेटा। जीती रहो, खुश रहो, ठीक है मुखिया जी? बहुत बढ़िया करा चौधरी साहब आपने। मुकेश ये ऐसे हमारे समझे हुए और हम इनके समझे, ये बहुत बड़े जमींदार हैं, चौधरी साहब हैं, कई बीघे जमीन है, कई भट्टे हैं इनके, मैंने कुछ गलत करो? हाँ है? बहुत अच्छा किया। मेरी छोरी का ब्याह जब भी होना था और अभी होना था, अरे हमारी छोरी सुखी सुखी रहेगी क्यों मुखिया जी? ठीक कह रहे हो जी। मुकेश भाई यू ही परिवार ढूंढो, मैंने मुखिया जी ने ढूंढवाया है, ठीक है जैसा भी है तुम्हारे सामने है, और छोरा यू है। ठीक है भाई साहब, आपने हमसे तो कुछ भी पूछा नहीं, चलो जो ठीक किया बढ़िया है। विनोद बासाब यू ही छोरो है, थारे सामने जैसो भी है, मुझे बताओ कैसो है? ठीक है जी, जो तुमने कर दिया अच्छा कर दिया। बापू तुमने अच्छा ना किया, बहन की पढ़ाई और मेरी पढ़ाई लिखाई की उम्र, और तुमने शराबी सा परिवार ढूंढ दिया, ऐसे शराबी परिवार से तो कोई भी शादी नहीं करने का, ऐसे शराबी से तो रिश्ता करवाने लग गए। देखा क्या कह रही है? मैं क्या करूँ जी, ठीक तो कह रही है। तुम्हारी बेइज्जती करवावेगी, कुछ ना करेगी रिश्तेदारों के सामने। मुखिया हमारी बेइज्जती करवा रहा तू, यहाँ कैसे परिवार से मिलाया तूने हमें, चल भाई चल। अरे चौधरी साहब चुप रहो, बच्चा ही तो है, गलती हो गई, माफ कर दो बच्चे को। चौधरी साहब माफ कर दो, मैं गलती मान रहा की तरफ से, चौधरी साहब बालक है। अरे चल बाबू, कितनी बेइज्जती करवाएगा इनसे, ताऊ जी देख। कुमार साहब, अरे चौधरी साहब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू चौधरी साहब। अरे चौधरी साहब बात तो मानो, गलती होगी बच्ची से। भाभी मुझे ऐसा लगा रिश्ता बिगड़ता दिख है। ठीक हुआ जी जान छुट्टी ऐसे शराबी से। अरे विनोद देख ले मेरी बेइज्जती करवा रहा हो, देख ले देख ले, समझा ले अपनी भाभी है लोंडिया, समझा ले रिश्तेदार, देख ले चले गए नाराज है के, ये कैसे कैसे ब्याह होगा।